चलो स्टार्ट करते हैं आज। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। टुडे सेशन इज़ ऑन न्यूज़पेपर, जो काफ़ी टाइम से एस्पिरेंट्स वर रिक्वेस्टिंग मी कि सर न्यूज़पेपर पे एक सेशन लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग जो है दैट विल कवर दी करंट अफेयर्स पार्ट, तो इट लेज डाउन दी फाउंडेशन फॉर आर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी करंट अफेयर्स इज़ वन ऑफ द पार्ट, तो उसमें न्यूज़पेपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑल्सो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आप डे बाई डे नए वर्ड सीखते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, रीडिंग करने से यू कम टू नो कि जब मैं कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलता हूँ तो उसके बेसिकली कहाँ कहाँ गलती करता हूँ, तो रीडिंग से आपकी इंग्लिश में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ वेरी मस्ट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेटर ऑन व्हेन यू विल अपीयर इन द इंटरव्यू ऑल्सो, देन ऑल्सो योर रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अलॉट। सो आज का सेशन टोटली हम न्यूज़पेपर पे डिवोट करेंगे। अब न्यूज़पेपर को बेसिकली पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो एज अ हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट की तरह इसको पढ़ें, सेकेंडली है कि हम एज अ लेमैन इसको पढ़ें। अब दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है कि अब आप एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देन यू हैव टू रीड इट वेरी स्मार्टली, बड़ी सिलेक्टिव वे से इसको पढ़ना है। ये नहीं है कि रैंडमली पूरा न्यूज़पेपर हमने पढ़ लेना है, सिलेक्टिव वे से पढ़ना है। जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हमने पढ़ना है। और जब आप एज अ लेमैन पढ़ते हो तो ठीक है, आप सम पीपल हैव दी हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, की उसके बिना दे विल नॉट स्टार्ट देयर डे, अच्छी हैबिट है। तो इन दैट केस वो जो भी उनको न्यूज़ सही लगती है वो पढ़ सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये पढ़नी है या नहीं पढ़नी। कुछ कुछ लोगों को होता है कि आई विल रीड ईच एंड एवरी न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में आई है, बट एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, वी डोंट हैव टू रीड होल न्यूज़पेपर, वी हैव टू डू स्मार्ट रीडिंग। हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है तो हमें सिलेक्टिव पढ़ना है। अब इशू बच्चों को यही आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे स्टार्ट देयर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। उनको पहले आदत नहीं होती तो उनको एक हेडेक लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा यार, बड़ा बोरिंग काम है ये है, बट दे हैव टू रीड नाउ, दे वॉन्ट कि इसमें से पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप ये सोचो कि आप लोग रेकोगनाइज़ क्यों नहीं कर पाते हो कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप वाई यू पीपल आर नॉट एबल टू रेकोगनाइज़ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप दूसरों से क्यों पूछते हो? इसका रीज़न मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन कि यू हैव टू गो ऑन अ मिशन, आपको आपकी एक फिक्स डेट है, आपको पता है इस फिक्स डेट को आई हैव टू फाइट अ वॉर विद अ पर्टिकुलर टीम। तो अब आपकी एक अपनी टीम है, अब आपके पास यू हैव द वेपन्स, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द टूल्स। अब आपको सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स, सारे वेपन्स आपको दे दिए गए हैं, बट आपको ये नहीं बताया गया है कि जो टीम को, द टीम विच यू हैव टू फेस, उनकी क्या स्किल्स हैं, उनका स्किल लेवल कितना है, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। आपको टूल्स दे दिए गए, आपको वेपन्स दे दिए गए, आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है विदाउट नोइंग कि सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो आपने अपनी ट्रेनिंग करते रहे, एक साल दो साल ट्रेनिंग करते रहे, देन ऑन द डे ऑफ वॉर जब आपने उसको फेस किया, सडनली आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिल गया कि यार ये तो बहुत एडवांस लेवल की इनकी स्किल्स हैं, या मैं तो, मेरी तो प्रेपरेशन अप टू द मार्क है ही नहीं, मैं तो किसी और तरह से इमेजिन करके बैठा था, ये तो कुछ और ही है। यही काम आपके साथ सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में होता है। होता क्या है कि आप लोग प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हो विदाउट फर्स्टली रीडिंग दी नोटिफिकेशन प्रॉपरली। अगर नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया, फिर आप प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखते हो जो जनरल स्टडीज़ के आते हैं। उससे क्या है, आपको यही नहीं पता होता आइडिया कि पेपर एक्चुअली आता क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में एक वो रहता है कि UPSC सिविल सर्विसेज है तो जनरल नॉलेज। ऐसा नहीं होता है। UPSC के अंदर आपके जनरल स्टडीज, आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है रेदर देन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में बहुत फ़र्क है। जनरल नॉलेज इज़ फैक्चुअल नॉलेज कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा, ये इस तरह के क्वेश्चन UPSC बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछता है। UPSC आपसे
आपकी जनरल अवेयरनेस, आपके जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको लेके आपका थॉट प्रोसेस मैच्योरिटी चेक करेगा, वो आपका आएगा न्यूज़पेपर रीडिंग से, रेगुलरली न्यूज़ को डीपली एनालाइज करने से। ये आपको फैक्ट्स वगैरह पढ़ के आपको जनरल नॉलेज नहीं गेन करनी है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। सो अगर आप न्यूज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जनरल स्टडीज़ के पेपर देखोगे नहीं, प्रीलिम्स का, मेंस का, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अगर आप देख लोगे एक बार तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं न्यूज़पेपर में वही क्वेश्चंस पढ़ूंगा। तो आपको किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि क्या आता है इसमें, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ूंगा। अगर आप 5 साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के, मेंस के, जनरल स्टडीज़ के अगर आप एक बार पेपर एनालाइज कर लो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ना है, ये मैंने छोड़ना है। सो सबसे पहला काम है आपको 5 साल के जनरल स्टडीज़ के अच्छे से पेपर एनालाइज कर लो। ऑल दो मैं आज बताऊंगा खुद से भी क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, बट स्टिल आफ्टर दैट आल्सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप एक बार देख लोगे। आप लोगों ने इस सेशन के बाद एक बार थरोली 5 साल के पेपर जरूर देखने हैं जनरल स्टडीज़ के, और उसके बाद अपनी न्यूज़पेपर वाली स्ट्रेटेजी भी बनानी है। सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर विद एन एग्जाम्पल कि इशू आता क्या कहाँ है। अच्छा, अब न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग सबसे पहले बताने से पहले आई विल सजेस्ट जो न्यूज़पेपर के लिए आप एक रजिस्टर बनाओगे, चाहे आप एक काफ़ी थिक रजिस्टर स्पायरल बाइंडिंग करके बनवा लो या आप 3-4 रजिस्टर्स बनवा लो, लेकिन आपको उस रजिस्टर को इस तरह से फ्लैग कर देना है। फ्लैग इसलिए करना है कि रजिस्टर के अंदर आपको पार्टीशंस बना देने हैं, मतलब कुछ पेजेस एक पर्टिकुलर टॉपिक के, फिर कुछ पेजेस दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक के। आप एक बहुत ज़्यादा थिक रजिस्टर भी बना सकते हो, 3-4 रजिस्टर्स बना सकते हो, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हो। टॉपिक्स मैं आपको ओवरव्यू एक दे देता हूँ किस किस कैटेगरीज में इन टॉपिक्स को बनाना है, जो मैंने बनाए थे। आप इसमें से किसी टॉपिक को और ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपको बनाने हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। एक आप कैटेगरी बना लो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो भी न्यूज़ रिलेटेड टू एक्ट्स, बिल या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, वो सब की सब न्यूज़ आपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी में लिखनी है। अब इसको आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक एक्ट्स का अलग एक बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक कैटेगरी तो बनेगी। इसके लिए आपको जो पेजेस छोड़ने हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर आएगा। जो आपको मैं ये कैटेगरीज बता रहा हूँ, तो इन कैटेगरीज के अंदर नंबर ऑफ पेजेस दैट यू विल डेजिग्नेट टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी वो भी काफ़ी वेरी करेंगे, क्योंकि एक कैटेगरी में न्यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली आती है, एक एक दिन में कहीं कहीं न्यूज़, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होगा, और कुछ एक कैटेगरी ऐसी होंगी जिसमें बहुत रेयरली कुछ न्यूज़ आती हैं, तो उसके लिए कम, तो आपको वो खुद से बैलेंस आउट वो आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड कैटेगरी है सोशल स्कीम्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की सोशल स्कीम्स पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यू आर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सोशल स्कीम्स पे ध्यान देना है। आपकी अपनी होम स्टेट की सोशल स्कीम है उस पे ध्यान नहीं देना है, होम स्टेट की सोशल स्कीम पे हम ध्यान तब देंगे जो हमारा इंटरव्यू का टाइम होगा, क्योंकि एट दैट टाइम यूपीएससी मे आस्क यू क्वेश्चन कि आपकी जो होम स्टेट है उसके अंदर इस चीज़ को लेके कौन सी स्कीम चल रही है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सब आप उस टाइम पे देखोगे। अभी टिल द टाइम ऑफ मेंस प्रिपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स पर ध्यान देना है। तो सेकंड कैटेगरी जो होगी आपकी सोशल स्कीम्स की होगी, और थर्ड कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक नेशनल हाईवे, सी पोर्ट्स, इस टाइप के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की आप अलग कैटेगरी बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखना है। फोर्थ कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, वन इज नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स एंड अनदर इज इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपके इंडिया लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, वो आप नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसके नोट्स बनाओ, और इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल में बना लो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेजर पोर्शन आता है एग्ज़ाम में, वो करंट से रिलेटेड ही आता है, तो हमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड द हिंदू में कुछ भी आ रहा है वो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, और बहुत क्रिटिकल पार्ट है आज के टाइम पे पेपर में, इवन फॉर द इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, तो साइंस एंड टेक बड़े थरोली पढ़ना है, और उसके रिगार्डिंग आपने कुछ भी नोट करने से छोड़ना नहीं है। देन फिफ्थ कैटेगरी इज एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी
नई डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई एडिटोरियल की फॉर्म में पुराने कोई फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं, जस्ट नोटेड डाउन इन द कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। अनदर कैटेगरी इज इकोनॉमिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है ये साइंस टेक एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक्स ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट बेस्ड ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक पार्ट पे इतना कॉन्सेंट्रेट वो नहीं करेंगे जितना आपके डायनामिक पार्ट जो कि आपका करंट पार्ट है उस पर करेंगे। तो इनके ऊपर तो आपको बड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, मैं बताऊँगा कैसे इनको न्यूज़पेपर से पढ़ना है, बट कैटेगरीज अभी मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोशल स्कीम्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, आप नोट डाउन कर लो, अगर इन केस यू कांट नोट डाउन इट राइट नाउ तो दोबारा आप जब सेशन देखोगे तो उस टाइम इस पार्ट को आप देख के दोबारा नोट डाउन जरूर कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, स्पोर्ट्स, अनदर कैटेगरी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर हमने सिर्फ वो चीज़ें नोट डाउन करनी है जो काफ़ी हाईलाइटेड है, जैसे अगर कॉमनवेल्थ हो गया तो उसके रिलेटेड कोई अलग से फैक्ट्स उसमें जो निकल के आए हैं, कोई स्पेशल अचीवमेंट बाय एनी इंडियन हुई है उसमें, या कोई नया फैक्ट इवॉल्व हो गया है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है किसी चीज़ का, जिस तरह अभी प्रेजेंटली IPL इज़ गोइंग ऑन, IPL से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं, IPL से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, जैसे वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का, उसमें कोई हो सकता है एक हटके कोई रिकॉर्ड बने, तो इन दैट केस यू हैव टू नोट इट डाउन, जनरली वी इग्नोर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो वो नोट डाउन करना है। अगर कॉमनवेल्थ हो रहे हैं तो वो, ओलंपिक्स हो रहे हैं तो वो, हमने ये नहीं याद रखना है कि इस कंट्री को कितने मेडल मिले हैं, इस कंट्री को आपको थोड़ा डीपली एनालाइज करना है कि जब न्यूज़पेपर के अंदर कोई स्पेशल अचीवमेंट किसी की हुई है तो उसमें बैकग्राउंड ज़रूर बताते हैं। UPSC ट्रिवियल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, नो डाउट, कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि UPSC ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, UPSC ट्रिवियल क्वेश्चन भी पूछता है, बट ट्रिवियल क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, UPSC थोड़ा बैकग्राउंड पे ज़रूर जाता है। आज की डेट में कोई डेवलपमेंट हुई है तो UPSC जो है उसके बैकग्राउंड की आपकी नॉलेज चेक करेगा कि वेदर व्हेन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट टुक प्लेस, तो क्या आपने उसकी जो हिस्ट्री या बैकग्राउंड थी वो समझी। तो हमने अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड होना है, ट्रिवियल क्वेश्चन आ जाता है वेल एंड गुड, इट इज़ गुड फॉर अस, नहीं आता तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमें उसकी बैकग्राउंड भी बताओ। इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं कि जैसे इंडिया का किसी भी और कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑन अ विजिट टू अ कंट्री, और सम अदर प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सम अदर कंट्री इज विजिटिंग आर कंट्री, तो उस टाइम सम MOU विल बी साइंड, सम एग्रीमेंट विल बी साइंड, सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स कि इफ़ MOU इज साइंड तो उसमें हाईलाइट्स जो ऑफ MOU है, हमने कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके पूरा MOU नहीं पढ़ना है, द हिंदू में जब भी कोई ऐसे MOU साइन होगा तो द हिंदू विल गिव द ब्रीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर MOU, हमने वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं कि उस MOU के बेसिक हाईलाइट्स क्या हैं। हमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, कोई एक्ट पास हो रहा है, कोई ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, कोई बिल प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में, तो इन दैट केस वी डोंट हैव टू गो इन टू द डेप्थ कि हम इंटरनेट से, कई बच्चे गलती करते हैं कि इंटरनेट से पूरा पूरा बिल पूरा पूरा एक्ट डाउनलोड करके पूरा उसको पढ़ेंगे, वो आपका काम नहीं है, आपका काम है टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, यू शुड नो द डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन आर कंट्री। आपको मास्टरी नहीं करनी है किसी बिल के अंदर जाके उसके सारे एक एक उसका सेक्शन पढ़ने लग जाओ, कहीं पूरा पूरा क्लॉज, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। कोई भी एक्ट, कोई भी बिल पास होगा तो डेफिनेटली इट विल कम इन द न्यूज़पेपर, और व्हेन इट विल कम इन द न्यूज़पेपर तो उसमें जो उसके बेसिक फैक्ट्स हैं, जो उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं, दैट विल बी हाईलाइटेड, सो हमने वो पढ़ने हैं और वो नोट डाउन करने हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में वेन एवर आर ऑनरेबल प्रेजिडेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल कोई मे बी फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर is visiting some country and some important agreement and MOU has been signed, so उसके हमें वो note down करने हैं। कोई भी development हो रही है international level पे, if it has some relevance with regard to our country तो वो हमें पता होना चाहिए, strategic relevance क्या है उसकी, कुछ भी इस type की चीज़ें जो आपने note down करनी है। इसके अलावा international events, ऐसे events भी होते हैं which don't have any direct relevance with our country, कि हमारे साथ directly कोई relation नहीं होगा, but at the international level it is a major development, so वो भी हमें note down करने हैं, उसके लिए आप अलग category बनाओगे international events, so this is another category। फिर एक category आपने बनानी है prizes की, कि Nobel Prize है, जो अलग अलग तरह के हमारे national level पे कोई अलग से एक recognize करके किसी को prize दिया गया है, international level पे
प्राइस दिया गया है वो सब आपने नोट डाउन करने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रीलिम्स में कहीं डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग करके, कि एक साइड आपको पर्सनैलिटी का नाम दिया होगा, एक साइड प्राइस का नाम दिया होगा, आपको वो मैच करना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेंस के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाँ ये प्राइस बताओ किसको दिया, मेंस के अंदर एक पर्सनैलिटी का नाम लिखा हो सकता है, डैट पर्सनैलिटी माइट बी इन न्यूज़ बिकॉज ही और शी हैड गॉट अ ग्रेट प्राइस डैट इन डैट पर्टिकुलर ईयर। सो वो नाम लिखा हो सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा हो सकता है कि ये इसके बारे में डिस्क्राइब करो, या किसी प्राइस के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मांगी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको प्राइस की कैटेगरी में लिखनी है। एक कैटेगरी बना लो डिफेंस की। साइंस एंड टेक में आप अपना जो डिफेंस से रिलेटेड कोई नई सबमरीन, कोई नई मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है, वो आप साइंस टेक में मत डालो। साइंस टेक में आप बाकी चीज़ें डिफेंस, उसको डिफेंस में डाल दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आएगा। तो डिफेंस की एक अलग कैटेगरी बना लो, जिसके अंदर आप जो भी कोई मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है, कोई भी नई सबमरीन लॉन्च हो रही है, कोई भी नया एयरक्राफ्ट हम इंडिया में आया है, या उसके रिगार्डिंग कोई कुछ भी नई डेवलपमेंट हुई है इन दैट पर्टिकुलर केस, आप उसको डिफेंस की कैटेगरी में नोट डाउन करो। फिर एक कैटेगरी बनाओ पर्सनैलिटीज़। इसमें आपने जो सी भी पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ हैं वो डालनी है। किसी एक ईयर के अंदर किसी की कोई काफ़ी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी की अगर डेथ हुई है तो उसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कई बार डिग्निफाइड पर्सनैलिटी की डेथ हुई होती है, उसके बारे में हमें पहले नहीं इतना पता होता, बट उस टाइम न्यूज़पेपर में उसका काफ़ी बैकग्राउंड आएगा, तो उस टाइम हमें थोड़ा नोट डाउन करना है। पूरा डिटेल नहीं नोट डाउन कर लेना कि इनको ये प्राइज इस साल में मिला, हमें जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी थी इस फील्ड की थी, अगर उन्होंने उस फील्ड में कोई स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो हमें पता हो, जस्ट इतना नोट डाउन करना है, सिलेक्टिव नोट डाउन करना है, हमने पूरी की पूरी न्यूज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। फिर एक कैटेगरी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपने ऐसा स्टैटिक पार्ट वाले ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं होगा। ज्योग्राफी के अंदर क्या होगा, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक सिटी के अंदर कोई इवेंट हुआ है, तो अब उस इवेंट वो पर्टिकुलर सिटी इन न्यूज़ है, तो आपको पता होना चाहिए वो सिटी एटलेस खोल के कि वो सिटी कहाँ पर है, उसकी क्या लोकेशन है, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है, क्या लगता है, कोई रिवर इन न्यूज़ है ड्यू टू सम एनी रीज़न, तो वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो ज्योग्राफी जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, इसमें मान लो कोई भी रिवर, कोई भी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, कोई भी आपके एनी सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन न्यूज़ ड्यू टू पर्टिकुलर इवेंट, वो सब आपने इस कैटेगरी में नोट करना है। उसके बाद दो और कैटेगरीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सबमिट्स एंड नेशनल सबमिट्स। इन दोनों को अलग अलग रखना है। इंटरनेशनल सबमिट्स में आपके जैसे G20 सबमिट है, उसके रिगार्डिंग आप लिखोगे कि G20 सबमिट हुआ तो उसके अंदर ये डेवलपमेंट्स हुई, जो आपका ब्रिक्स हो गया, आपका कोई भी और सबमिट इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, सार्क में क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ हुआ, और क्या क्या नए उसमें उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, पुराने वालों के रिगार्डिंग क्या डिस्कशन हुई है, एक जस्ट एन ओवरव्यू, और आगे के लिए क्या प्लान किया गया, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आप इंटरनेशनल सबमिट्स में लिखोगे, और नेशनल सबमिट्स में आप वो लिखोगे जो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज या नेशनल लेवल के सबमिट्स होते हैं, जो विद इन इंडिया नेशनल लेवल के सबमिट्स भी होते हैं समटाइम्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सबमिट्स, तो उसको आपने लिखना है। कोई हेल्थ से रिलेटेड सबमिट हो रहा है, कोई साइंस से रिलेटेड हो रहा है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रहा है, तो वो आपको इसमें नोट डाउन करने हैं। तो अपनी तरफ से आई हैव टोल्ड यू दी एग्जॉस्टिव कैटेगरीज, जिसमें आपको अपने रजिस्टर को पूरा का पूरा डिवाइड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लगता है कि कोई और कैटेगरी भी है, यू कैन वेरी वेल ऐड, बट ये तो आपकी बनेंगी, दीज आर दी मिनिमम एंड मेरे ख्याल से काफ़ी है कैटेगरी, एक दो हो सकता है बाई चांस मेरे माइंड से अगर स्किप होगी हो, तो इन दैट केस जब आप न्यूज़ पढ़ोगे, मान लो इफ़ यू फील लाइक कि ये मेरी पर्टिकुलर न्यूज़ इट डजेंट फॉल विद इन एनी ऑफ दीज मैंशन कैटेगरीज, तो आप एक अलग से कैटेगरी और ऐड कर दो। तो दिस इज़ रिगार्डिंग दी पार्टीशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, अब न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए, मैंने जो इस फ्राइडे का द हिंदू न्यूज़पेपर है वो आपको उसको थोड़ा आपसे डिस्कस कर लूँगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे। सबसे पहले एक बात तो अपने माइंड में बिठा लो कि पॉलिटिकल न्यूज़, जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एज अ लेमैन पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, बट अभी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑलरेडी यू हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, यू हैव टू डू सिलेक्टिव रीडिंग, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल न्यूज़ अवॉइड करनी है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ।
पॉलिटिकल न्यूज़ इसलिए अवॉइड करनी है कि यूपीएससी कभी आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। यूपीएससी जो है यूपीएससी इज सीकिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स। सो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिविल सर्वेंट जो है वो कभी भी ओपनली पब्लिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट फेवर ऐसे कोई बात नहीं बोलेगा। आपने एक चीज़ सोचनी है, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, यू एज्यूम योरसेल्फ टू बी अ सिविल सर्वेंट कि मैं आज से ही सिविल सर्वेंट हूँ। अभी जैसे आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो हमें इस तरह से पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट कि वी आर लाइक अ परमानेंट गवर्नमेंट। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं आती है, वही रहती है, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी आर परमानेंट गवर्नमेंट। 5 years के बाद गवर्नमेंट सेंटर में चेंज हो जाएगी, अगर आप स्टेट में जॉब कर रहे हो स्टेट में चेंज हो जाएगी, बट इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे ग्रुप बी सी या ए आईएएस ऑफिसर कुछ भी हो, यू आर पार्ट ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट। सर सेंटर में गवर्नमेंट आएगी चली जाएगी, बट आप वहीं के वहीं रहोगे। सो जब आप वहीं के वहीं हो, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि सेंटर में स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट आ रही है, आपको उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। वो जो भी रूल्स बनाएंगे, वो जो भी एक्ट्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, आपको उनको फॉलो करना है, आपको उनको एग्जीक्यूट करना है। सो आप ये नहीं कह सकते कि इस पॉलिटिकल पार्टी की ये पॉलिसीज ख़राब हैं या उसकी ख़राब है। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा इंटरनल पर्सपेक्टिव ज़रूर होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके कि इंटरनली, बट दैट इज़ ओनली इंटरनल। व्हेन वी आर वर्किंग एज एन ऑफिशियल सिविल सर्वेंट, तो हमारे कहीं भी राइटिंग में या व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द मीडिया, कहीं भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि वी आर अलाइन टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम देते हो, जब भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो, कभी भी भूल के अपना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन मत दिखा देना, डैट विल बी वेरी डिजास्ट्रस फॉर यू। अगर आपने अपने मेंस के आंसर्स में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लिनेशन दिखा दिया कि आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस पॉलिटिकल पार्टी या आई एम इंस्पायर्ड बाई द आइडियोलॉजी ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा वो। लाइकवाइज इन द इंटरव्यू, अगर आपने ये बोल दिया किसी भी आंसर के अंदर कि द स्टेप टेकन बाई डैट पॉलिटिकल पार्टी वॉज रॉन्ग, या इस पॉलिटिकल पार्टी की ये इनका एजेंडा पॉइंट ख़राब है, आपका नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। सो दे वॉन्ट अ न्यूट्रल पर्सन, जिसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि वो क्या पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, मुझे अपना काम करना है, आई एम दी परमानेंट गवर्नमेंट। सो मुझे तो जो ऊपर से हुक्म मिलेगा, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी, उसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है। सो ये अब आपको टेम्परामेंट अगर अभी से बना लोगे, आपको न्यूज़पेपर में समझ आ जाएगा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ की न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जैसे इलेक्शंस का टाइम है, तो आई डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी पॉलिटिकल न्यूज़। अभी मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कंट्री में, उस पर ध्यान रखना है। पॉलिटिकल जो न्यूज़ है उसको अभी इग्नोर कर देना है। कल आप सिविल सर्वेंट आप क्लियर कर लेते हो, यू हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग द न्यूज़ पेपर, आप चाहे पूरा न्यूज़ पेपर पढ़ो कुछ नहीं है, लेकिन अभी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। अब द हिंदू की अब फ्राइडे का ये न्यूज़ पेपर है, अब इसके अंदर जो है मोस्टली क्या होता है, जब द हिंदू का फर्स्ट पेज है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट न्यूज़ से भरा होता है, तो ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ फर्स्ट पेज की तो पढ़ डालो। चाहे फर्स्ट पेज पे अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ भी आई है, उसको आप पढ़ दो एटलीस्ट। अगर उससे रिलेटेड आगे आपको पढ़ के लग रहा है यार प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो अंदर जाके जो उसका कॉन्टिन्यूशन में होगा, उसको आप अवॉइड कर दो। सो अब जैसे ये फर्स्ट न्यूज़ है, एज लोकसभा पोल्स बिगिन, वायलेंस मास वोटिंग इन आंध्र प्रदेश। सो अब इसके अंदर जो है आप इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो, बट इसमें अगर अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोर रिपोर्ट्स ऑन पेज 10, तो आप इस न्यूज़ को पढ़ के अगर आपको लगे कि नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल दो पॉलिटिकल न्यूज़ है, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू द सिविल सर्विसेज, बिकॉज इट इज़ ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है पढ़ दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज़। तो आप इस न्यूज़ को पढ़ दो। अब मोस्ट फर्स्ट पेज पे आई एम सेइंग मोस्टली पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ दो। अब फ्राइडे को इस तरह की एक न्यूज़ आ रखी थी, दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, इस तरह की न्यूज़ को आप इग्नोर कर दो, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी की पूरी फर्स्ट पेज न्यूज़ आप पढ़ डालो। ये जो इधर कॉर्नर में इस टाइप की न्यूज़ आती है, इसको आप हर पेज पे इग्नोर कर दो, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा कि इस टाइप की जो कॉलम साइड पे न्यूज़ आई होती है कोई इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको फर्स्ट पेज तो कम्प्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। अब फ्राइडे को जूलियन असांज के रिगार्डिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है,
अब इसमें क्या है, यूपीएससी से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि यूपीएससी आपको सिंपल ये पूछ लेगी कौन सी कंट्री की एम्बेसी से ही वॉज अरेस्टेड, ये वो पूछने को पूछ भी सकती है, बट यू शुड बी रेडी विद द बैकग्राउंड कि 2010 में एग्जैक्ट इशू हुआ क्या था व्हेन जब ये सब हुआ था बेसिकली। सो आपको इस इशू का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस टाइम जूलियन असांज वाला इशू हुआ क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट उस टाइम लीक हुए थे क्या हुआ था, व्हाई ही वेंट टू द इक्वाडोर एम्बेसी और उसके बाद जो यूके था वो उसको वापस अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होगा, अब इस तरह की अगर डेवलपमेंट हुई है, अब इससे रिलेटेड अगले एक वीक के अंदर अंदर कोई ना कोई बड़ा एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल आ जाएगा, उससे आपको पूरी बैकग्राउंड पता चल जाएगी। अदरवाइज न्यूज़ के अंदर भी बैकग्राउंड दिया होता है, अगर स्टिल आपको क्लियर नहीं होता देन यू शुड यूज़ दी गूगल, गूगल पे सर्च करो इसके बारे में कि था क्या इशू। अब इसके रिगार्डिंग ये अच्छी डेवलपमेंट है, न्यू इस तरह के क्वेश्चन आने का बड़ा चांस होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी बट आ सकता है, मोस्टली जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पेज आई हैव टोल्ड कि पूरा का पूरा पढ़ना है। अब सेकंड पेज है, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है नॉर्थ, आपने पूरा का पूरा इग्नोर कर देना है ये पेज, क्योंकि इसमें अब जो न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू दी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हमें स्टेट्स की न्यूज़ सिविल सर्विसेज के लिए कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा इग्नोर कर दो। थर्ड पेज है, यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट, न्यूज़ रिलेटेड टू दी ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, हमें कुछ नहीं लेना, इग्नोर कर दो, स्टेट न्यूज़ है आपका। अभी जो है तीन पेजेस में से आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है, आपके तीन में से दो पेज निकल गए हैं। अब अगला है वेस्ट, अब यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट्स हैं, अगेन यू हैव टू इग्नोर, इसको भी इग्नोर कर दो। फिर आपका आ गया साउथ, अगेन स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया न्यूज़ जो है हमें सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर दो। हाँ, अब आ जाता है ये वाला पेज नेशन, जहाँ नेशन लिखा हुआ है। अब इसको जो बाकी आपको मैंने स्टेट्स की बताई है वो आप विदाउट सीइंग आप इग्नोर कर सकते हो, जहाँ आ जाता है नेशन वाला पेज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, एक और आप हेडिंग पढ़ लो न्यूज़ की। अब हेडिंग पढ़ के आपको आइडिया हो जाना चाहिए, अगर आपने पिछले 5-6 साल के जनरल स्टडीज़ के मेंस के और प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं कि ये न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, कि इसके अंदर जो कंटेंट होगा और हेडिंग पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। लाइक ये न्यूज़ है टोटली पॉलिटिकल, सोनिया फाइल्स पेपर्स फ्रॉम रायबरेली, कोई रेलेवेंस नहीं है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एक बार आप हेडिंग पढ़ दो, अगर आपको लगे पॉलिटिकल न्यूज़ है या टोटली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट है जिसका नेशनल लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कई बार स्टेट की न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनका नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है, या इस तरह की न्यूज़ होती हैं जो विच आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 or 3 states, वो न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइक रिवर्स के रिगार्डिंग कई बार बड़ा डिस्प्यूट रहता है, अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, अब वो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सोचो एक डिस्प्यूट है जो विद इन द स्टेट है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, एक डिस्प्यूट है जो बिटवीन टू स्टेट्स है विच इज़ इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट जो न्यूज़ है उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट न्यूज़ विच इज़ इंटरस्टेट बिटवीन टू स्टेट्स और 2 or 3 states वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ेगा। रिवर डिस्प्यूट्स को लेके काफ़ी इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। अब ये पेज है नेशन का, अब इस पर अगर आप पढ़ोगे इंडिया स्टेयर्स एट पाइल ऑफ सोलर ई वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप उठा के साइंस एंड टेक में डालोगे, इसको आप पढ़ो कि सोलर ई वेस्ट का इशू आया है। अब इसके रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, सोलर ई वेस्ट के रिगार्डिंग लिखो, 50 वर्ड्स में लिखो, 100 वर्ड्स में लिखो, या कुछ और पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इसमें से आपने इसको पढ़ना है, इसके अंदर से कीवर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सोलर ई वेस्ट, फोटोवोल्टेक सेल्स दैट हैव रीच्ड देयर लाइफ साइकिल एंड हैवंट बीन रिसाइकल्ड, ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद दे कंटेन्स पोटेंशियली हजार्डस क्रोमियम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैडमियम सिलेनियम एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये अब क्या होगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोलर ई वेस्ट। आपको अगर ये पता होंगे कि ये हैं उस, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब आपने इस तरह की न्यूज़ छोड़ दी तो आपका क्वेश्चन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब आपने पेपर पढ़ा होगा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है टू लेट टू ऑर्डर
प्रोब इनटू द होल प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट. अब द होल प्रोजेक्ट, तो अब इसके अंदर जो है आपको ये न्यूज़ पढ़नी चाहिए, आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन से स्टेट में है, किससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है. सो ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देख रहे हो नेशन के पिछले पेज पे मैंने देखा कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पे मैंने जब हेडिंग पढ़ी मेरे को दोनों की हेडिंग पढ़ते ही समझ आ गया कि इंपॉर्टेंट है. अब इसी तरह आपने अब पाकिस्तान स्टेक्स क्लेम टू कोहिनूर डायमंड, इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट क्योंकि इंटरनेशनल में पढ़ डालो. तो इस अब यहाँ जो इधर कॉर्नर में दी हुई है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होंगी. आपने हेडिंग एक और पढ़नी है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है इंपॉर्टेंट, बट आप यू कैन इग्नोर दीज पर्टिकुलर न्यूज़. तो आप एक और हेडिंग पढ़ोगे नेशन के पेज पे और आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये वाली न्यूज़ नोट डाउन करनी है कि नहीं करनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आ गया एडिटोरियल पेज, जो एडिटोरियल पेज का फर्स्ट पार्ट है. एक एडिटोरियल पेज का ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट होता है, ठीक है. तो जहाँ एडिटोरियल लिखा हुआ है इसको आपको ये वाला इधर वाला एडिटोरियल और इधर वाला एडिटोरियल ये दोनों के दोनों पूरे पढ़ने हैं. ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है. ये हो सकता है कि अगर बाय चांस कोई एक एडिटोरियल टोटली आपको लगे पॉलिटिकल है यू कैन इग्नोर, बट अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ दोनों के दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये एडिटोरियल वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ये आपकी राइटिंग स्किल्स में बड़ा हेल्प करेगा, आपका ओपिनियन बनाने में बड़ा हेल्प करेगा, आपके थॉट प्रोसेस में मैच्योरिटी लाने में बड़ा हेल्प करेगा. तो आप इग्नोर मत करो, एफर्ट लगता है इन चीज़ों में, बट लेटर ऑन दीज थिंग्स विल पे यू इन दी एग्जाम इन दी इंटरव्यू ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अब इस वाले पेज पे इज इंडियाज एंटी सैटेलाइट टेस्ट अ गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट होगा. इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा इंपॉर्टेंट होगा, इसको अधिकार पढ़ो आप. इसके साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड आपको इस फैक्ट्स मिलेंगे. अब होगा क्या, मान लो आपको कोई एडिटोरियल ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट है, मैं इतना नोट डाउन करूँगा, तो उससे बेटर है आप उस एडिटोरियल को कट करके उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके अपनी एक अलग सी फाइल बना लो, उसके अंदर रख लो. ऑल दो बाद में इतना टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल इफ़ यू गेट टाइम टू रिवाइज तो एक बार आप ओवरव्यू आपको मिल सकता है. यहाँ जो आया होता है नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. आप एक और हेडिंग पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो पढ़ो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो. इधर जो आए होते हैं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं. हाँ ये जो नीचे इसमें आ रखा है रिगार्डिंग कैंपेन एक्सपेंडिचर, इसमें मैंने ये जब पढ़ा तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये वाला आप देखोगे हेडिंग पढ़ के तो ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपको पॉलिटिकल न्यूज़ तो टोटली अवॉइड कर देनी है, उसके अलावा जो बाकी का स्टेट न्यूज़ टोटली अवॉइड कर देनी है प्योरली रिलेटेड टू अवर स्टेट. तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और पेपर जरूर आपने एनालाइज करना है. अब ये पेज आ गया है न्यूज़ से रिलेटेड, ऑल दो आज के टाइम पे ज़्यादातर न्यूज़ पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड आ रही है, लाइक यूपी रिकॉर्ड्स 64% टर्नआउट. हमें इस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है फॉर सिविल सर्विसेज, जितना मर्जी टर्नआउट हो कम हो ज़्यादा हो, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद रिगार्ड टू द सिविल सर्विसेज. अब जो बेसिकली न्यूज़ वाला जो पेज आता है बेसिकली वो उसमें जब अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, जब इलेक्शंस नहीं होते हैं तो काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट सारा न्यूज़ जहाँ न्यूज़ लिखा हुआ है इट इज़ रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूज़, सो मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको पूरा का पूरा इसको पढ़ना है. अब यहाँ पे हेडिंग ही इलेक्शन 2019 है, तो अभी आप प्रेपरेशन कर रहे हो इस पेज को आप इग्नोर कर सकते हो. हाँ ये ज़रूर है, अब इलेक्शन 2019 लिखा हुआ है, कई बार कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आ जाता है इलेक्शन के रिगार्डिंग, जो फैक्ट है रिलेटेड टू आर कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ वो आपको कई बार नॉलेज देता है. तो आप हेडिंग आप एक और फटाफट हेडिंग पढ़ने में टाइम नहीं लगता, हेडिंग पढ़ लो. कई बार होता है कि इलेक्शन पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर कुछ आपको अपने काम की चीज़ मिल सकती है, आपको हेडिंग पढ़ के वो चीज़ पता चल जाएगी. अगला आ गया वर्ल्ड पेज, ये मैं एडवाइस करूँगा पूरा पूरा पढ़ना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ एक पेज आता है द हिंदू में रिलेटेड टू इंटरनेशनल न्यूज़, और ये काफ़ी न्यूज़ काफ़ी हद तक सबकी सब इंपॉर्टेंट ही होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं. यू गेट अ गुड कॉन्फिडेंस आफ्टर दीज रीडिंग दीज न्यूज़, क्योंकि आपको पता चलता है इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, तो आपकी अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से काफ़ी बढ़ती है. तो दिस पेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड न्यूज़ आपको पूरी पूरी पढ़नी है, और जो भी नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं वो इसमें से आपने करनी है.
अगला आ गया बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सो अब इसके अंदर जैसे आप ये फर्स्ट वाला आप न्यूज़ अगर आप देखो, इसमें लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स FMP इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1400 करोड़ एट रिस्क। आपको एक बार पढ़ लो, और अगर आपको लगे कि प्योरली फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, किसी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। लाइक जेट एयरवेज सस्पेंड्स ऑल वेस्ट बाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अब ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। IT फर्म्स मार्जिन स्ट्रेस टू कंटिन्यू, इसको आप एक बार पढ़ लो कि इशू है क्या। कमर्शियल क्रेडिट राइजेज स्ट्रांगली, इसको भी एक बार आप पढ़ लो। फार्मा फर्म्स एक्स CEO सेटल्स इनसाइडर ट्रेडिंग, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होगी। आप एक बार ओवरव्यू आप ले लिया करो न्यूज़ को, हल्का सा हेडिंग पढ़ के, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आपको उतने में ही आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। किसी एक फर्म का कुछ आया कि शेयर इसके इतने अप हो गए, इतने डाउन हो गए हैं, वो हमें नोट डाउन कुछ नहीं करना है। किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ के आपको ऐसी कोई टर्म पता चल पड़ी है आपने, जिसका आपको आइडिया भी नहीं था और आपके लिए नई टर्म है, आपने NCERT जब पढ़ी तो आपको नहीं, गूगल यूज़ करो, ईजिली आपको समझ आ जाएगी। इसमें टर्म से डरना नहीं है, जस्ट ये होता है आपके लिए न्यू टर्म्स होती हैं तो आप एकदम से घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या है ये, कुछ वो नहीं होता है। नई टर्म है, गूगल करो, गूगल पे सब अवेलेबल है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब अगला भी पेज इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये वाले कॉलम तो आपने वैसे ही छोड़ देने हैं, इसमें कुछ खास नहीं होगा। अब लाइक आप ये वाली पढ़ोगे, इमामी टू एक्सपैंड केश किंग हेयर ऑयल प्रेजेंस इन साउथ इंडिया, हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये न्यूज़ पूरी की पूरी आप इग्नोर कर दो। इस तरह से आपने सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इसकी। अब ये इस टाइप का जो पेज है शोकेस, पूरा का पूरा पेज इग्नोर कर दो, इसमें आपको सिविल सर्विसेज के लिए कुछ नहीं है आपके। अगला ये पेज है फूड का, नॉर्मली आई विल से पूरा इग्नोर कर दो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार हेडिंग पढ़ लिया करो, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो इस वाले पर्टिकुलर में, इसमें इट इज़ मेंशन वीक्स आफ्टर इरोड टर्मरिक वॉज अवॉर्डेड द GI टैग, वी ज्वाइन अ फार्मर एज ही शोज अस हाउ द क्रॉप इज मेक मार्केट रेडी। सो इन्होंने एक किसी फार्मर की इंटरव्यू ली है जो टर्मरिक से रिलेटेड फार्मिंग करते हैं, लेकिन अब हमें हेडिंग पढ़ के एक इम्पॉर्टेंट वो मिल गया। अगर तो हम रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उसको डेजिग्नेट हुआ है, बट अगर इनकेस हमने मिस कर दिया तो इस हेडिंग से हमें पता चल गया, ये हम नोट डाउन कर सकते हैं, हमें अब न्यूज़ नहीं पढ़नी है। सो अब आ गया स्पोर्ट्स का पेज, मैंने बताया आजकल IPL से भरा रहता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए स्पोर्ट्स के पेज में तो बहुत ही, कोई फ्रेंच ओपन हो रहा है, कोई विंबलडन हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, ओलंपिक्स चल रहे हैं, तब हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि कोई रोज चेक करना है कि आज कोई स्पेशल इवेंट तो नहीं हो गया, आज कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बन गया, तब उस केस में हमें नोट डाउन करना है। अदरवाइज स्पोर्ट्स पेज के ऊपर इतनी कोई इंपॉर्टेंट खास न्यूज़ नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी, जो भी आएंगी आपको नोट कर लेनी है अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है। सो हमारे 3-4 स्पोर्ट्स के पेज निकल गए हैं। फाइनली हमारा लास्ट पेज आ गया, लास्ट पेज पे मैंने ऑब्जर्व किया कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, दीज न्यूज़ आर मिक्स ऑफ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। तो वही बात है, एक बार हेडिंग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये आप अगर न्यूज़ पढ़ोगे, जेनेटिक मेथड टू एम्पावर कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के उस टॉपिक में आप डाल दोगे, न्यूज़ पढ़ोगे इसमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, पेपर में आए नहीं आए बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो इस टाइप से आपको न्यूज़, अब आप अगर ध्यान से देखोगे कि 4 तो पेजेस हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्टेट से रिलेटेड हैं वो उड़ गए हैं, 2 पेजेस थे जो शोकेस वाली हेडिंग टाइप से थे वो उड़ गए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 पेज थे ऑलमोस्ट उड़ गए हैं, हमने एक बार वो हल्के से ओवरव्यू लेना, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पेजेस बच गए हैं। अगर आप कहाँ अगर आप ये सोच रहे थे मेरे को पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, आपका मुश्किल से पूरे न्यूज़पेपर का आई थिंक 40% या 35% पार्ट है जो आपको पढ़ना है, लेकिन उसको थरोली पढ़ना है। अब आपको मैंने आपको बता दिया वो 35% और 40% क्या है, आपको नोट्स बनाने का तरीका बता दिया,
अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो नोट्स हैं वो नोट डाउन कैसे करने हैं इसमें से। इसके अंदर जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, आपने कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा कंटेंट नहीं मार देना है, कुछ एक कीवर्ड्स उठाने हैं। कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं पूरा का पूरा नोट डाउन करने का मतलब है कॉपी पेस्ट मारना, तो आप उस टॉपिक को लिख लो सिर्फ। होगा क्या, मैंने आपको बोला है आपको एक मंथली करंट अफेयर रिसोर्स को साथ में रेफर ज़रूर करना है, चाहे विजन आईएएस के कर लो, चाहे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन कर लो, इनसाइट्स के कर लो, देयर आर मैनी गुड सोर्सेज। एक को पकड़ लो, किसी को जिस पे आपको तसल्ली होती है उसको पकड़ के उसको आपको रेफ़र ज़रूर करना है। मंथ के एंड पे आप उसको रेफ़र करोगे, आपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली दैट मंथली करंट अफेयर रिसोर्स। खुद के नोट्स बनाए होंगे, आपको ये तसल्ली होगी कि मैंने रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा है, चाहे सिर्फ मैंने हेडिंग लिखी है, एटलीस्ट जो मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख लिया है, ताकि एग्जाम के टाइम पे मुझे पता होगा कि एक साल के अंदर ये चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट थी मेरे पर नोटेड है। आप नहीं लिखोगे दो महीने के बाद जो आप पढ़ते हो ब्लैंक हो जाओगे, खाली हो जाओगे। फिर आपका कोई फ्रेंड व्हेन ही विल से कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ और मैंने तो सारे के सारे द हिंदू के सारे नोट्स बनाए, देन यू विल फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो उसमें नहीं आना है हमने, वी हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, ताकि जो हमारे साथ के जितने और प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वी हैव टू कम्पीट, सो वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि नहीं जो बेसिक रिसोर्सेज है मेरी पूरी की पूरी ग्रिप है उस पर। अब आपने एटलीस्ट वैसे तो नोट डाउन करने हैं उसमें से कंटेंट, अगर आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका एक हेडिंग ज़रूर नोट डाउन कर लो। साइंस एंड टेक में जैसे कोई इवेंट हुआ है उसकी सिर्फ, अब जैसे मैं सोलर ई वेस्ट की बात कर रहा हूँ, आपने अगर डेफिनेशन नहीं लिखनी, अगर नहीं टाइम, सिर्फ सोलर ई वेस्ट लिख लो एटलीस्ट, उसका मैं कारण बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा आपको। सोलर ई वेस्ट लिख लो, जूलियन असांज वाली न्यूज़ है सिर्फ जूलियन असांज लिख लो। अब होगा क्या, आपको पता होगा कि जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने एक एक दो दो वर्ड्स में लिख लिए हैं। आपने मंथली करंट अफेयर रिसोर्सेज जो हैं उसको तो रेफ़र करना ही है, वहाँ से आपने रिवीजन भी करनी है, वहाँ से आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, वहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटर से उसके अंदर हाईलाइट करना है जो जो मेन मेन पॉइंट है। अब आपने जो पूरे मंथ के अंदर अपने कीवर्ड्स लिखे हैं एक बार क्रॉस चेक करो उसके साथ कि क्या आपके जो सारे के सारे कीवर्ड्स वाली न्यूज़ थी उनकी समरी उसके अंदर आ गई है। अगर आ गई है बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब आपने जो अपना एक अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली थी वो तो उस करंट अफेयर रिसोर्स ने कवर करके आपको उसकी समरी दे दी है, अब इट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर योर रिवीजन। अगर कोई चीज़ उसमें नहीं आई है, होता है बहुत बार ऐसा होता है जो करंट अफेयर रिसोर्सेज होते हैं उनमें बहुत चीज़ें मिसिंग होती हैं, यू कांट से कि कोई करंट अफेयर रिसोर्स पूरा एग्जॉस्टिव हो गया। ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने नहीं नोट डाउन की होंगी और ऐसी भी होंगी कुछ एक आपने की होंगी उसमें नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने की है उसमें नहीं है, गूगल पे सर्च करो। अब आ गया न्यूज़पेपर, तो आपने आपके ये तो मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आपको संभाल के रखना है, नोट डाउन कर लिया कीवर्ड्स। अब वो कीवर्ड से रिलेटेड अगर न्यूज़ उसमें नहीं है तो आपने उस न्यूज़ वो कीवर्ड को सर्च करना है गूगल पे और फिर देखना है कि क्या न्यूज़ थी, क्योंकि आपके मंथली करंट अफेयर रिसोर्स में वो न्यूज़ नहीं है, आपने वो नोट डाउन कर लेनी है इन एडिशन टू दैट मंथली करंट अफेयर रिसोर्स। अब ये जो चीज़ आपकी बनी है, ये मंथली करंट अफेयर्स आपके जो रिसोर्सेज बने हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। कैसे, एक तो आपने एक चेक कर लिया कि मैंने द हिंदू पढ़ा, सारा मैंने क्रॉस चेक कर लिया, मेरा जो करंट अफेयर मंथली रिसोर्सेज मैं रेफ़र कर रहा हूँ उसके साथ मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब कुछ एक ऐसे थे जो उन्होंने नहीं कवर किए थे, वो मैंने उसके अंदर पेज साथ में पेस्ट करके लिख दिए हैं। अब मेरी ये जो बुकलेट है मंथली करंट अफेयर रिसोर्सेज की, ये मेरी पूरी तरह अच्छे से तैयार है और इसको मैंने एक बार पढ़ के मेन मेन पॉइंट हाईलाइट भी कर लिए हैं। अब मैं जब रिवीजन करूँगा इस मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट से करूँगा और मेरे करंट अफेयर्स बिल्कुल अप टू दी मार्क है। आप उसके बाद ये सोच लो कि आपकी करंट अफेयर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज़ और जो इसमें ऐड कर लोगे आप, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट रोज़ विजिट कर लिया करो। मैं उसमें क्या करता था कि जो भी न्यूज़ आती थी इंस्टेड ऑफ वहाँ से नोट डाउन करने उनके प्रिंट आउट निकाल लेता था, जो भी नेशनल लेवल से रिलेटेड कुछ भी उसमें आता था, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होते थे उनको हाईलाइट करके उनको भी मंथली बुकलेट की तरह एक बना के रख लेता। आपने नोट डाउन करने, आप नोट डाउन कर लो कीवर्ड्स की फॉर्म में, नोट डाउन कर लो उनको भी और बाद में करंट अफेयर वाले अपने रिसोर्स वगैरह चेक कर लो। इस तरह से जो आपकी फिर 12 बुकलेट्स बनेंगी जस्ट बिफोर प्रीलिम्स,
बुकलेट्स वो वाली जो आपकी करंट अफेयर्स वाली रिसोर्सेज की हैं वो परफेक्ट होंगी विद रिगार्ड टू करंट अफेयर। आपको इसके बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग यू नीड नॉट वरी एट ऑल, आपका करंट अफेयर प्रॉपरली तैयार हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अगर एनी वन क्लेम्स कि मैंने सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे आते थे या मैंने कर दिए हैं, ही इज़ जस्ट मेकिंग फूल ऑफ यू, ही इज़ जस्ट ब्लफिंग विद यू। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ये होगा कि इस एक्सरसाइज करने के बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट, उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे जो एक टॉपर अटैम्प्ट कर सकता है फॉर करंट विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर्स। सो ये स्ट्रेटेजी होती है न्यूज़पेपर को पढ़ने की, और न्यूज़पेपर को आप लोग आपको कभी अवॉइड नहीं करना है। देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द न्यूज़पेपर रीडिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट है तो उसके अंदर आप इग्नोर कर दो चल जाएगा, सिविल सर्विसेज में नहीं चलेगा। प्रीलिम्स में बच जाओगे, मेंस में धोखा खा जाओगे, मेंस भी किसी तरह निकाल गए तो इंटरव्यू में मार खा जाओगे, कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। इसलिए आई डोंट वांट कि आप कहीं भी मार खाओ, आई वांट डैट यू शुड बी सक्सेसफुल, फाइनली सक्सेसफुल, और वो तभी होगा जब तीनों स्टेजेस को आप पार कर लोगे। और इसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ के जाओगे, थरोली पढ़ के जाओगे, प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, मेंस में भी कॉन्फिडेंस के जाओगे, इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, पता होगा कि मुझे पूरी अवेयरनेस है। नहीं तो यही सोचोगे यार मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, मैंने तो करंट अफेयर से उठा के रट्टे मार लिए। पढ़ते रहोगे ना न्यूज़पेपर, एक और चीज़ बेनिफिशियल जो होगी, सीधा करंट अफेयर उठा के पढ़ोगे तो रट्टे मारोगे, बहुत गलत बात है। जबकि न्यूज़पेपर में क्या होगा, एक न्यूज़ कई कई दिन चलती है, वो स्टोरी की तरह आपके माइंड में सेटअप हो जाती है, और बहुत फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको रोज़ पढ़ते पढ़ते सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगे, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इससे भागो मत, इसको दिल से लगा के प्यार करके इस स्ट्रेटेजी के साथ करोगे तो यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर इन डिटेल काफ़ी। अगर स्टिल यू हैव एनी अदर क्वेरी तो जब नेक्स्ट सेशन का मैं वो पोस्ट डालूंगा उसके नीचे आप पोस्ट कर देना अगर स्टिल यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर। सो आज का सेशन हमारा न्यूज़पेपर के रिलेटेड था, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताने हैं सब बता दिए। लास्ट कल के सेशन में तीन चार कोई क्वेरीज रह गई थी, वो मैं फटाफट बता देता हूँ, आफ्टर डैट वी विल कंक्लूड दिस सेशन। विच सब्जेक्ट इज़ टू बी टेकन इन 11th और ग्रेजुएशन फॉर UPSC यार, प्लीज़ डोंट रिलेट योर सब्जेक्ट सिलेक्शन with the UPSC process। 11th class, 12th class आपकी बहुत important classes हैं, ये these are the foundation of your career। अगर इस time पर आप इस तरह का subject लोगे कि हम UPSC में help हो जाए और आपका interest होना सिर्फ इसलिए UPSC में help हो जाए, इसका मतलब you have made yourself totally dependent on UPSC। आपने UPSC को ही सब कुछ मान लिया कि UPSC है तो मैं हूँ, UPSC नहीं है तो मेरी एग्जिस्टेंस ख़त्म है, क्योंकि मैंने तो +1 +2 के अंदर भी UPSC के ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट्स लिए हैं, UPSC मेरा निकला नहीं तो मेरी लाइफ तो अब कहीं भी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है, 11th 12th में UPSC को ध्यान में रख के कुछ अपने सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं, वो लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कोई भी सब्जेक्ट्स लोगे यू हैव इक्वल चांसेस ऑफ क्रैकिंग द UPSC। सच अलग से सब्जेक्ट्स लेने से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दो। कुछ लोग इतने जोश में होते हैं मैं तो 10th से तैयारी करूंगा, यार क्यों करोगे 10th से तैयारी, इसके तैयारी के लिए प्रीलिम से पहले 1.5 साल की तैयारी मोर देन इनफ है, साल के अंदर भी तैयारी कर लोगे प्रीलिम से पहले तो भी हो जाएगा। आपको 10th से क्यों करनी है, आप अपने 11th 12th में अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट लो, लाइफ को इन्जॉय करो, उसको इतना हेडेक क्यों बना रहे हो। सो ऑल सब्जेक्ट्स आर गुड फॉर UPSC, आपका बेस है 11th 12th, अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ सो दैट फाउंडेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करोगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी फिर। और UPSC पे टोटली डिपेंडेंट कभी नहीं रहना कि UPSC है तो मैं हूँ, मेरा करियर है, अदरवाइज मैं टोटली ख़त्म हूँ, ऐसा कुछ नहीं आपने करना है। तो एनी लाइन इज़ गुड। वॉट यू थिंक, हु इज़ पुअर और रिच, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन, समवन हैड आस्क्ड मी व्हाट यू थिंक हु इज़ पुअर और रिच। वी आर पुअर और रिच बाय आर थॉट्स, कभी पैसे से नो वन इज़ पुअर और रिच। किसी के पास $1,000,000 हैं बट ही और शी डजंट हैव द रिस्पेक्ट और एथिक्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है लाइफ में, और सिर्फ पैसे पैसा है वो इंसान बाहर से लोगों को दिखाने के लिए अमीर है, अंदर से ही इज़ वेरी पुअर। सो आप
लाइफ में अपने थॉट प्रोसेस से, अपने मॉरल वैल्यूज से, अपने एथिक्स से, अपने ऑनेस्टी से अमीर होते हो। और सब एक और बात, आप अपने हेल्थ से भी अमीर होते हो। इफ़ यू आर फिज़िकली फिट, मेंटली फिट, इफ़ यू हैव अ गुड थॉट प्रोसेस, मॉरल वैल्यूज अच्छे हैं, एथिक्स अच्छे हैं आपके, तो यू आर वेरी रिच, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ ऑन दिस अर्थ। और अदरवाइज दिखावा तो कोई एंड ही नहीं है, तो पैसे का तो कोई एंड ही नहीं है, मेरा ओपिनियन ये है। फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर नॉट सपोर्टिंग फॉर प्रिपरेशन, नेगेटिव थॉट्स आर बीइंग गिवन बाय देम, आई गेट डीमोटिवेटेड एंड लूज कॉन्फिडेंस, प्लीज़ एडवाइस। देखो, अगर आप किसी के कहने से, अपने फ्रेंड सर्कल के कहने से या अपने पेरेंट्स के कहने से इफ़ यू गेट डीमोटिवेटेड, इसका मतलब आपका खुद के डिटर्मिनेशन में कमी है, आपके खुद के कॉन्फिडेंस लेवल में कमी है, आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। योर प्रिपरेशन शुड बी लाइक डैट, योर डिटर्मिनेशन एंड फोकस शुड बी लाइक डैट, कि कोई कुछ भी कहता रहे कि मुझे तो पता है, मुझे तो यही बनना है और मेरी स्ट्रेटेजी सही है, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, और मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि UPSC में नहीं निकला तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलते रहने दो, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला बैकअप प्लान आप लेके चलो, चाहे पैरेलल लेके चल लो, चाहे आप अपने माइंड में रख लो नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा। तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार इनको बोलने दो, जब टाइम आएगा, अगर इनकेस नहीं भी हुआ तो मेरे पास पता है मुझे मैंने क्या करना है, और अभी मेरे को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, आई एम फॉलोइंग द राइट स्ट्रेटेजी, राइट पाथ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई हैव पैशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अभी मेरे को कोई कहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, इग्नोर कर दो, अपने अपने सराउंडिंग पॉजिटिव वाइब्स इतनी ज़्यादा रखो कि उनकी नेगेटिव वाइब्स को ओवरकम कर जाए सबकी, अपना इतना फोकस और इतना वो रखो, अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत होने दो, अपनी लाइफ को कभी रिस्ट्रिक्ट करके मत रख लो कि मेरे को इस कमरे में पढ़ना है, यही मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी इस कमरे तक रहेगी, बुक से भरा पड़ा कमरा, ये लाइफ मत जियो। शाम को बाहर भी निकलो, अपने आप को टाइम भी दो, एक्सरसाइज भी करो, वीक में एक दिन फैमिली के साथ आउटिंग भी करो, रिलेटिव्स को मिलो, फ्रेंड्स को मिलो, एटलीस्ट उनको लगे यार कि ही इज़ अ कूल पर्सन, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। जब अंदर बहुत फंस के बैठ जाते हो ना, बहुत बातें बनती हैं। किसी को मत शो करो कि यार मेरे को स्ट्रेस, सबको होता है, प्रिपरेशन के टाइम मुझे भी हुआ है, बट वी हैव टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस बाय थ्रू आर हॉबी, एक्सरसाइज, और बाय इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और इन कोई नेगेटिव थॉट देता है उसको ओवरकम कर दो अपनी पॉजिटिव वाइब्स से। If we eliminate two options out of four in the question paper, then should we go for that question? Prelims के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ questions ऐसे होंगे जिनका आपको पता होगा कि हाँ इसका answer यही है, तो if you are sure about that particular question, attempt, वो तो attempt करना ही करना है। Apart from that, there will be few questions जिनका आपको बिल्कुल कोई idea नहीं होगा, you will be totally blank, उसमें बिल्कुल risk मत लो, negative marking is there, तो उन questions को आप जो है attempt मत करो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे इन विच यू हैव सम आइडिया, यू विल थिंक कि आई हैव रेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन समवेयर, आई हैव रेड दिस पर्टिकुलर फैक्ट समवेयर, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। और अब होगा क्या, उसमें से फोर ऑप्शन में से टू ऑप्शन यू विल एलिमिनेट, कि ये तो मुझे पता है, ये तो पक्का है ही नहीं है, आई हैव लिटल आइडिया कि इसमें और इसमें से हो सकता है। अब मान लो इस टाइप के 10 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 100 जिनमें आपको लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई और होगा, उसको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट मत करो। सर्कल डैड क्वेश्चन जो तो आपको लगता है कि आपको आता है, उसको साथ के साथ अटेम्प्ट किया, अपनी OMR शीट पे मार्क कर दिया, जिसमें आपको लगता है यू डोंट हैव एनी आइडिया, अपने क्वेश्चन पेपर पे उस पर क्रॉस मार दो कि ये तो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। अब द क्वेश्चन रिगार्डिंग विच यू थिंक कि नहीं दो में से कोई एक है, उन 10 क्वेश्चन को सर्कल कर लो। अब आई विल सजेस्ट कि रिस्क हल्का सा ये ले लो कि 10 में से ट्राई टू अटेम्प्ट 5 or 6 क्वेश्चन जिनके रिगार्डिंग आपको मैक्सिमम है कि हाँ जिस पे मैं सोच रहा हूँ इनके ज़्यादा चांसेस हैं, सबके सब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी। उनमें आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट 5 or 6 क्वेश्चन रिस्क लेके कि हाँ इसमें प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा लगती है, तो ये स्ट्रेटेजी इसकी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आई विल जस्ट चेक की एनी अदर क्वेरी इज लेफ्ट। एक क्वेरी फटाफट मैं और ले लेता हूँ जो एक रह गई है, कि समवन हैड आस्क मी कि इन द इंटरव्यू डू दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर ग्रेजुएशन, लाइक आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ। यस, दे
will ask, very high chances are there that they will ask. They had asked me ki if we will select you and you are posted as a DM of a particular district, how you will utilize your electronics engineering knowledge for the welfare of that particular district. If, and also they told me that that district is mostly based on farmers. So how you will utilize your engineering background for the welfare of farmers of that particular district. So उस time I had given the answer कि because I have electronics engineering background, so I have idea about these remote sensing technology. So we may utilize the remote sensing satellites to know about the water table level कि उस particular district में water table level कितना है. We can utilize the remote sensing satellites to know the nutrients present in the soil of that particular district. So we may advise the farmers accordingly कि ये आपका water table है, ये आपके nutrients हैं soil में. So if you will grow this particular crop, तो it will be more beneficial for you. ज़्यादा productivity होगी क्योंकि normally farmers को नहीं पता होता कितना water table level है, कितने nutrients हैं, वो randomly जो चल रहा है वो ही कर रहे हैं. तो they were really happy with this particular answer. So इस तरह से आप अगर mechanical engineer background के हो, आप commerce background के हो, आप arts background के हो, medical के हैं, they might ask कि हाँ आप अपनी knowledge कैसे utilize करोगे. So you have to be prepared for such questions in the interview. Interview के regarding में special sessions बाद में ज़रूर लूँगा क्योंकि उसके क्या strategy होनी चाहिए अभी आपको tension करने की ज़रूरत नहीं है. उसके regarding भी I will guide you a lot. So friends, that's it for today. In the next week I have two gazetted holidays, so unless or until कोई urgent work ना हुआ तो I will try to take two sessions in next week as well. जो भी आपकी queries हैं, put those queries in the comments. I will keep answering. So it was nice interacting with you today. I hope it was a very helpful session for all of you. All those who have missed the earlier part of the session, they may watch this session again in my story. It will be available for next 24 hours. Also, I will upload it on my YouTube channel. My YouTube channel is by the name of Gaurav Kaushal Civil Servant. You may subscribe to that channel. Jo bhi further videos aayenge, sab ki sab us pe upload hoti rahenge. So, thank you very much for joining today. I'll see you next week again. Goodbye and take care.